हेलो स्टूडेंट इज समरीन रज़ा टीचर ऑफ़ फ्रेशपर्ट स्कूल टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सोशल स्टडी चैप्टर सेवन आवर शेल्टर वी लीव इन अ हाउस इट प्रोवाइड आज शेल्टर इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट रेन स्ट्रॉम वीन डस्ट थेफ्स एंड एनिमल्स तो हम लोग घर पे रहते हम लोग क्यों रहते ताकि हम लोग बहुत सारी चीज़ों से बच सके बारिश धूप से आंधी तूफान से चोर से जानवरों से भी अ हाउस प्रोवाइड अ सेफ्टी एंड कम्फर्ट हम लोग घर पर बहुत कम्फर्ट आराम से रह सकते और सुरक्षित रह सकते हैं वी स्टेअ विदआवर फैमिली और हम लोग घर में किसके साथ रहते हैं फैमिली के साथ रहते हैं वी फील हैप्पी एंड सेव एट होम और हम लोग बहुत खुश रहते हैं अपने घर पर अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ हाउसेस कितने तरह के घर होते हैं यहाँ दो तरह के घर दिए एक एक कच्चा हाउस एक है पक्का हाउस अपने इस टाइप के घर गांव वगैरह में देखे होंगे ना विलेज में यहाँ पर एक इन्फोबिट भी दिया है आप पढ़ सकते हैं इन अर्लियर टाइम्स टुक शेल्टर ऑन ट्रीज और इन केप पहले जमाने में बहुत पुराने जमाने में लोग कहाँ रहते थे पेड़ों में या तो गुफा में ठीक है अब यहाँ पर एक पिक्चर देखो कच्चा हाउस का पिक्चर दिया है और ये आपको घर गांव वगैरह में देखने मिलेंगे दिस इज द कच्चा हाउस इट इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉ बैम्बू ड्राई लीव्स एंड मट इट इज़ नॉट अ स्ट्रांग हाउस तो इसमें कौन सा मटेरियल लगता है स्ट्रॉ लगता है बेचाली हो गया आपका बैम्बू लगता है सूखे पत्ते लगते हैं मिट्टी से बनाई जाती है तो इतनी मज़बूत घर नहीं होती है यह पक्का हाउस जो आपने नॉर्मल आपने फ्लैट्स ये है आपने देखा होगा ठीक है यह पक्का हाउस है दिस इज अ पक्का हाउस इट इज मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक्स स्टील ग्लास एंड वुड इट इज़ अ स्ट्रोंग हाउस ये एक स्ट्रॉन्ग घर है क्योंकि कौन सा मटेरियल से बना है सीमेंट से बना है ब्रिक्स ईटा से बना है इसमें स्टील लगे हैं ग्लास लगे हैं वुड लगे हैं और ये घर कहाँ पर आपको देखने मिलेगा सिटी वगैरह में आप यहाँ पर किन्फोबिट पढ़ सकते हो क्या लिखा है वेरी टॉल बिल्डिंग्स दैट सीम टू टच द स्काई आर कॉल्ड स्काई स्क्रैपर्स ये सब बिल्डिंग्स को ये बहुत ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स होते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग स्काई स्क्रैपर्स बोलते हैं और ये बड़े बड़े सिटीज में देखने आपको मिलेंगे ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे रूम्स दिए हैं अलग अलग यहाँ पर बहुत सारे रूम्स दिए हुए हैं ठीक है ठीक है अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते कि वेरियस रूम इन अ हाउस एक घर पे कितने तरह के रूम होते हैं देयर आर मैनी रूम इन अ हाउस ईच रूम इज़ यूज फॉर अ डिफरेंट पर्पज़ आप ये देख सकते हो ये है ड्राॅइंग रूम ड्राॅइंग रूम में क्या करते हैं मेहमान आते टू मीट गेस्ट बेडरूम में ये आप देख सकते हो बेडरूम में हम लोग क्या करते हैं रेस्ट लेते हैं ये है डाइनिंग रूम जहाँ पर हम लोग खाना खाते फॉर ईटिंग मील्स ये स्टडी रूम जहाँ हम लोग पढ़ाई करेंगे ये है किचन जहाँ पर खाना बनेगा और ये क्या है बाथरूम जहाँ पर हम लोग शावर लेंगे नहाएंगे ठीक है तो ये हम लोग ने क्या पढ़ा कि एक घर पे कितने तरह के रूम होते हैं तो आज हम लोग ने क्या पढ़ा शेल्टर के बारे में पढ़ा शेल्टर क्या होता है कितने तरह के घर होते हैं दो तरीके के घर होते हैं और हम लोग ने पढ़ा कि घर पे कितने तरह के रूम्स होते हैं और वो किस किस चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं होप यू अंडरस्टैंड थैंक यू एंड बाई स्टूडेंट